राहत इंदौरी का एक शेर है, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता लेकिन इफ्तारी समझता है। और देश की जनता चाहे पॉलिटिक्स में चुनाव लड़े या ना लड़े, वो देश की जनता चुनाव और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती है। और जब आप हो अमेठी जैसी सीट पर, जो वैसे ही पॉलिटिकली इतना वाइब्रेंट है, जो राजनीतिक तौर पर इतना ज़्यादा इस वक्त देश के नक्शे पर जिसकी बात हो रही है, देश के मैप पर जो हाईलाइटेड है, वहाँ आप आएँ और केवल नेताओं से बात करें, लोगों से ना बात करें, थोड़ा अटपटा है। इसलिए अभी हम अमेठी में रोड किनारे एक समोसे छोले की दुकान पर हैं, जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ मैम बैठी हुई हैं, जहाँ छोला बनाने वाले, ये समोसे छोले बनाने वाले लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, अमेठी में कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव ठीक चल रहा है अमेठी में, हम लोग तो शर्मा जी के साथ हैं। चुनाव अच्छा हो रहा है, अच्छा चल भी रहा है। और इस समय सांसद लोग शर्मा जी के साथ हैं। थोड़ा मैं बैठ जाऊँ आपके बगल में? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद। जावेद, जावेद भाई, छूटते ही आप बोल रहे हैं हम शर्मा जी के साथ हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देखो सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई सरकार अगर बहुत बार से बनी रहती है एक ही बार, तो उसको बदलना ज़रूरी होता है, तभी अगला नेता हमारा जो होता है वो सक्रिय होता है कि इस बार ये गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही है, हम कुर्सी पर बैठे तो हम ये करेंगे। एक ही लोग बैठे रहेंगे कुर्सी पे तो वो अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी और योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, ठीक है, वो अपने नेता हैं, अच्छे नेता हैं, काम कर रहे हैं देश के लिए, करना भी चाहिए। काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने काम किया? किया है काम, उन्होंने भी किया है, जो उनको लगा है काम किया हुआ है। हर गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो ज़्यादा काम होता है। बहुत बढ़िया। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजिया। आप बताइए महिलाओं के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की तो सांसद एक महिला है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कि इलेक्शन में महिलाओं के लिए आप लोगों के लिए बात हो रही है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है यहाँ पर। बच्चों की फीस इतनी महंगी है, शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ अच्छा काम हो रहा है। तीन तलाक को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है, कहती है हमने महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा एम्पावरमेंट किया है, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, वो तो हमारा अपना मैटर है, तो उसमें हमें नहीं, वो हमारी शरीयत पहले है, तो हम, मेरे को ये नहीं है कि हाँ वो सही कर रहे हैं। नहीं, मेरे को तीन तलाक आसान नहीं है कि हाँ तीन तलाक किसने बोला तो दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। कहते हैं हमने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं है। वो इतनी जल्दी शरीयत में इतनी जल्दी कोई किसी को तलाक दे नहीं सकता है, तो इतनी जल्दी आसान नहीं है तलाक देना। वो तो एक बस एक मुद्दा उठा दिया है तलाक का, तो वो अलग मैटर है, वो हमारा अपना पर्सनल मैटर है। अच्छा जावेद भाई, एक बात और हो रही है, ओबीसी और दलितों का आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, बीजेपी कह रही है हम मंजूर नहीं करेंगे। ये गलत है। देखो, मुस्लिम को भी आरक्षण जो मिला है वो मिलना चाहिए, दलितों को भी जो मिलना मिलना चाहिए, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आरक्षण, लेकिन धर्म के आधार पर मिलना चाहिए। फिर तो कल तो हिंदू मांगेंगे, कल को सिख मांगेंगे, कल को पारसी मांगेंगे। आरक्षण जो चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी जो बनाया हुआ है, वो सबके लिए आरक्षण दिया हुआ। क्या कह रहे हैं भैया आप, क्या कह रहे हैं? आरक्षण धर्म जात के आधार पर नहीं, गरीब के आधार पर मिलना चाहिए, हर जात में गरीब है। क्या नाम है आपका? अंकित पांडे। अंकित पांडे, तो आप क्या कह रहे हैं, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए? न धर्म के, न समाज के, जात के, गरीब के आधार पर मिलना चाहिए। हर जात में, हर धर्म में गरीब लोग रहते हैं। अच्छा, हर जात में गरीब हैं, हर जात को जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रशांत पांडे। प्रशांत पांडे, हाँ। हम लोग क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं। किस क्लास में? बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर, तो अब आगे क्या सोचा है? आगे ये केएल शर्मा जीत रहे हैं, 2 लाख वोटों से जीतेंगे अमेठी विधानसभा, अमेठी से। अरे यार, आप तो ज्योतिषी हो क्या? हाँ, अमेठी पूरा इनका पूरा माहौल बन चुका है। अब की जो है कांग्रेस जीतेगी अमेठी से, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत इतना कॉन्फिडेंस से भविष्यवाणी कर रहे हो? अमेठी से स्मृति ईरानी जीतेंगी, काफी पूर्ण बहुमत से, मतलब बहुमत से जीतेंगी, या 400 पार से। आप भी ज्योतिषी का काम कर रहे हो? ज्योतिषी नहीं, उन्होंने काम किया है। राहुल गांधी यहाँ पर मतलब सांसद रहे, कुछ किए नहीं, केवल साल भर में 1-2 बार आते थे। एचएल उन्होंने दिया, बीएचएल उन्होंने दिया, बहुत सारी कंपनियां उन्होंने दिया। रुको यार, क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने भैया क्या नहीं किया बताइए आप, कांग्रेस बताइए, बीजेपी का कार गिनाइए आप। कितने दिन आए? अरे यार, कांग्रेस ने क्या नहीं किया यार, आईआईटी दिया, एम्स दिया, क्या नहीं दिया यार? मतलब होना चाहिए, ये नहीं इतना बड़ा देश है उनको हर जगह देखना। तुम बोलो भैया, तुम क्या कह रहे? हाईवे का भी निर्माण कांग्रेस ने ही तो किया यार।
क्या नहीं किया कांग्रेस ने बताइए? अमेठी के लिए क्या किया? अमेठी के लिए पूरे जनता के लिए क्या नहीं किया यार? क्या नहीं किया? सब कुछ तो वही किया है, हर चीज तो अमेठी के लिए। अब तो ये आके केवल 5 साल लूटे हैं, 14 रुपए किलो चीनी बता के। क्या 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 किया अमेठी के लिए पूछ रहे हैं? क्या नहीं किया बताइए? क्या क्या? बाबू जी आ गए। बाबू जी क्या नाम है आपका? विजय शंकर शुक्ला। ताला अमेठी से हैं? अमेठी से। अरे चलिए थोड़ा उधर चलिए। अमेठी में क्या चल रहा है बाबूजी माहौल? अमेठी भैया आपको समझ में नहीं है, पब्लिक कोर्ट दिए कहा है, वो अपप्रचार करता है। नहीं यहाँ पे सब आपस में लड़ गए, कोई कह रहा है कांग्रेस ने क्या किया, कोई कह रहा है बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने किया है। किसने किया है? बीजेपी ने किया है। बिल्कुल किया, गलत काम किया है, गलत काम किया है बीजेपी ने। आज तक कभी हुआ नहीं, आज तक जब से चुनाव समझ रहे हैं, मारपीट गुंडागर्दी कभी न किसी गाड़ी तोड़ी नहीं की आज तक। मारपीट रुकवा दी बीजेपी ने? और क्या, योगी जी ने? योगी ने कहा जब सांसद यहाँ करो, योगी क्या करिए। भैया यहाँ पे भैया उठ क्यों गए आप? बैठिए। छोले समोसे कैसे भैया? बढ़िया। काफी फेमस है और माहौल देख रहे हैं, यहाँ पे बैठने में बहुत मजा आता है, इसीलिए यहाँ का जो छोला समोसा है काफी फेमस है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शक्ति सिंह है। क्या करते हैं आप? हम भैया फार्मा इंडस्ट्री में हैं, यही अमेठी से हैं जी। तो अमेठी में जैसे आप जैसे युवा हैं, अब रोजगार की बात आती है, तो अमेठी के युवाओं का क्या कहना है इस पर? देखिए अमेठी का युवा चाहे कहीं का भी युवा हो, देखिए मुद्दा यही होना चाहिए, रोजगार, शिक्षा और ये स्वास्थ्य, यही तीनों मुद्दा होना चाहिए। इसी पे जो यहाँ की युवा जनता है इसी पे वोट करेगी, जिसको समझ में आएगा कि ये तीनों चीज़ें फुलफिल कर रहा है उसी के साथ युवा जाएगी। भैया आपका क्या नाम? आशुतोष श्रीवास्तव जी। आप क्या करते हैं? जी मैं भी फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। फार्मा इंडस्ट्री से? सर मैं रहने वाला बिसेली सुल्तानपुर से हूँ, जहाँ आपने मेनका गांधी जी। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? तो ये बताइए भैया आशुतोष भैया, अब देखिए मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट देंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन चुनाव में बात आ गई कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, घुसपैठियों को संपत्ति दे दी जाएगी, आरक्षण की बात आ गई, इस पर आपका क्या कहना? आरक्षण की बात करें तो आजकल आप मोदी जी ने आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करा दी। बाबा जी आइए बैठिए, इधर बैठाओ इनको, बाबा जी को बैठिए, अभी बैठिए एक मिनट भैया, अभी आइए इधर, आइए इधर आइए, जावेद भैया इधर आइए। हाँ बताओ। जैसे आजकल के आप देख रहे हैं आधार कार्ड हर आदमी के पास है, पैन कार्ड भी है, लिंक भी है, उनसे उनके पूरी परिवार की जानकारी, उनकी इनकम क्या है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, इस आधार पर उनका आरक्षण मिलना चाहिए। अगर उनके परिवार में 10 लोग हैं, इनकम उनकी ना के बराबर है, ऐसे लोगों को चाहिए वो किसी भी धर्म जाति बिलोंग करते हो, अगर उनको आरक्षण मिलता है तो उनको सहायता मिलती है, उनका परिवार आगे बढ़ेगा। जिसके पास ऑलरेडी दो दो मकान, तीन तीन मकान है, अगर जात के आधार पर करते हैं, अगर हमारे यहाँ देखिए तो बहुत नीची जात के भी लोग हैं, लेकिन उनका अगर बैंक आप इनकम देखेंगे, एनुअल इनकम देखेंगे, तो एक नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा भैया मुझे एक चीज़ बताओ, उन्हीं को बढ़ावा मिलता रहेगा, ये बताओ गरीब नीचे दबता रहेगा। EWS कोटा तो है ना देश में, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण व्यवस्था तो कर दी है सरकार ने, कहाँ कर दिया है आरक्षण, कहाँ भरा है भाई? बहुत सारे बच्चे हमारे जो हमारे छोटे भाई जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको EWS का सर्टिफिकेट ही नहीं। तो भैया ये बताओ फिर चुनाव में बात मुद्दे पे हो रही है या फिर यही सब हिंदू मुसलमान हो? नहीं नहीं मुद्दे पे ही होगी, अब हिंदू मुसलमान से लोग काफी ऊपर उठ चुके हैं, अब लोग विकास देखते हैं, अब अपना मुद्दा देखते हैं, हमारे लिए क्या सरकार कर रही है वो मुद्दा। अच्छा भैया यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर युवा और हैं हमारे साथी जो यहाँ पर छोले समोसे बेच रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अजीत। छोले समोसे बेचते हैं आप? क्या उम्र है आपकी? 25 साल। तो आप छोले समोसे शुरू से बेच रहे हैं या कुछ और करने की कोशिश की? नहीं शुरू से ही बेच रहे हैं। आप भी युवा हैं, रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे? हम भाई कुछ नहीं जानते इस बारे में, कुछ नहीं कहेंगे। छोले समोसे बढ़िया बिक रहे हैं? हाँ बिक रहा है। चुनाव में माहौल बना हुआ अमेठी में भाई दोनों का बना है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। ये देखिए ये है न्यूट्रल वॉइस, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस वाले तो पहली बार लड़ रहे हैं भैया चुनाव। नहीं ऐसा तो है नहीं, जो कैंडिडेट है किशोरी लाल जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पहली बार लड़ रहे हैं। जी जाएंगे? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर भैया इधर आओ, सिरे ला रहे हो, इधर आओ, क्या कह रहे हो? लड़ाई दोनों की है सर, इसमें कांग्रेस भाजपा दोनों की, दोनों की है। अब ये कहें जीते का आशा इसमें जाएगा कि कांग्रेस की लग रही है अमेठी से, लहर से।
लहर जीतेगी मुद्दा जीतेगा सवाल क्या जीतेगा बताइए। अब हिसाब से तो लहर ही जीतेगी। किसकी लहर है? मोदी की लहर है। अब देखिए यहाँ हमारे मिक्स व्यूज हैं। हम चाहते हैं जरा यहाँ अम्मा बैठी हैं। अम्मा समोसा मैं देख रहा हूँ बहुत देर से भर रहे हैं आप। दिन भर में कितना समोसा भर देती? अरे जितना भर जाता उतना भर ली थे। और का वोट दे हो अब की? वोट दे हो? हम क्यों को वोट नहीं देंगे? नहीं किसी को वोट नहीं देंगे? क्यों का कहे हैं हमारे सबके बारे में? जन वोट दी वोट लिए आवे थे और फिर मुझे आके नहीं होते कि झाका आवे के हमारा कहे कि जी केहू नहीं आवा क्यों नहीं होते? बीजेपी ना कांग्रेस कोई नहीं। आप पिछली बार की का वोट? पिछली बार जब वोट दिए थे कोई आया था आपके पास? बाबा पिछली बार कोई आया था? क्यों नहीं आते कबो? गुस्सा हो आप? हाँ गुस्सा ही। किससे? जे हाँ मैं मालिक और कैसे? योगी जी से कि राहुल जी से कि मोदी जी से कि स्मृति ईरानी से? हमसे क्यों से मतलब नहीं ना? तो वोट तो देना चाहिए। वोट तो देना चाहिए। अरे माँ मर्जी कहे चली जाओ ना मर्जी कहे ना जाओ। बात तो आपकी मर्जी की है। कांग्रेस कई चीज से आया है कि बीजेपी कई चीज से आया है कहाँ से आया है बताओ? हम तो आप ही की तरफ से आए हैं। आप ही से पूछ रहे हैं। हमसे क्या पूछता है तू बतावा तो हम बताई। हम कोई पार्टी से नहीं आए हम तो आपसे पूछ रहे हैं। ना पार्टी के आया है ऐसे? अच्छा बताओ 5 साल में हुआ कुछ यहाँ पे? का देखा तो है जोन भा है तू तो देखा तो है तोरो तो वहाँ किया है कि नहीं ना? ए हजार दाई यही का फूका का वा क्यों बाबा पूछा है? भट्टी तोड़ दीन जाए नलका उचार के बहा दीन जाए को पूछा है आवत है? तो ये बताओ चुनाव कैसे हो या वोट न दे हो तो? वो जहाँ दिन हुए चुनाव पुनाव हम का करे था बिना अपने मरे सड़क देखा इनका नहीं ना दिन भर मरी थे देख रोटी पाई थे क्यों खाए का पहुँचा होता है? बाबा क्या नाम क्या नाम आपका क्या नाम है? कृष्णा यादव। कहाँ से हैं आप? मुंशीगंज से। अमेठी में पड़ता है जी। तो अमेठी में चुनाव में क्या कहना है आपका? का है कुछ नहीं वोट दिए का है। अम्मा बहुत गुस्सा है कहने वोट ना देवे आप दे हो? वोट तो देवे करवे हाँ चाहे जे का देवे दे ये वोट तो इनका है वोट देवे। तो जैसे आप यादव हो ओबीसी से आवत हो ओबीसी आरक्षण की बड़ी बात हो रही है कि ओबीसी का आरक्षण कहीं मुस्लिमों को ना दे दिया जाए आपका क्या कहना है इस पर? जहाँ जेकर हमसे वोट से मतलब है हम वोट दे दिए भैया और हम दुनिया के बवाल नहीं जाने। तो पढ़त लिखत हो अखबार खबर पर देखत हो? पढ़े नहीं ना तो ना कहा पढ़ तो कुछ सुनत हो आपस में चर्चा हो तो तो आपस में चर्चा चलती है दोनों पार्टी थी चलती है कांग्रेस हो भाजपा जे का बदा हो ले जाए भाजपा जीते बहुत अच्छा है बढ़िया है। और चुनाव कैसा है? बस नंबर एक की है बीजेपी की सरकार बने का है और क्या बीजेपी सरकार बंद है स्मृति ईरानी नंबर एक के काम करती है यहाँ। भैया कहा रहे वहाँ पे कि यहाँ पे चुनाव है अब की कांग्रेस जीतेगी। अरे वो तो फिर हजारों लोग हैं हजार लोग में 800 वोट बीजेपी गए 200 वोट तो कांग्रेस के चले जाए हमन कौन बड़ी बात यह है। अगर इतना विश्वास हो तो राहुल गांधी चुनाव यहाँ से नहीं लड़ते। अच्छा राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं इस बार से? नहीं लड़ते हैं डर गए। डर गए और क्या बिल्कुल डर गए काहे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? मान लिया एक बार गलती कह रहे हैं हम लोग उनका वोट नहीं दे रहे हैं कि जो उन्हें सुधार लाएं और वही खाना सुधार ला दें कि तो लड़े नहीं चाहता है। बगल से तो लड़ रहे हैं रायबरेली से दुनिया से लड़े हमारे ही अंदर तो नहीं लड़ाता है वो बगल तो फिर कहे कि उनका देवे करी कम से कम ए सुना बात सुना उनका साथ हरा देते अमेठी जनता दोबारा लड़ता पहनते लड़ता है 50 साल से लगातार उनके बाप हुए सब जीते चला होता है कोनो विकास नहीं करता है। तो संजय गांधी है स्वीटर रही भैया वो का प्राइवेट कह दे तो का करी बतावा अरे तो विकास तो होता है वो हमारे दम। संजय गांधी हॉस्पिटल प्राइवेट कौन कर दिया सरकार राज्य सरकार कर दी कि गांधी परिवार की कांग्रेस कर दी? भाई कांग्रेस की थी अगर चाहते तो नहीं होती। अरे तो सरकार तो योगी जी की है सूबे में तो योगी जी की सरकार तो 2 साल थे सर
साल से 2017 से मान लो मतलब दो बार से है, तीन बार से कांग्रेस की सरकार तो 40 साल से थी, कांग्रेस की सरकार तो 40 साल से थी। अमेठी के लिए क्या किया बताइए, क्या किया? अच्छा स्मृति ईरानी जी ने क्या किया? कम से कम आती हैं तो मिलती तो हैं, दुख सुख पूछती तो हैं, क्या नहीं करती हैं? विकास का काम क्या किया उन्होंने? बहुत चीज किए, विकास काम किया, स्कूल बन रहा है, बाईपास बन गया, बढ़िया बढ़िया रोड बन रहे हैं, और क्या चाहिए? क्या हमको खाना खिलाएंगे, मर रहे हैं क्या? नहीं, खाना तो आप खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खाएंगे हम स्मृति ईरानी और मोदी और योगी के भरोसे नहीं? खाना तो मोदी जी खिला रहे हैं 80 करोड़ पर, क्यों की जिंदगी खाली विकास कर रहे हैं, अच्छे अच्छे रोड बनवाए, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल खुलवाए, हम सब भिखमंगा नहीं ना? तो 80 करोड़ लोगों को तो राशन दे रहे हैं मोदी जी, क्या मानवता है देता है उनका, बंद कर दिए चाहिए उनका, कम से कम गरीब आदमी के हॉस्पिटल में लगा दिए, जैसे हार्ट के पेशेंट है वोमन लगवा दिए चाहिए, या बहुत से रोजगार है वोमन दे दिए चाहिए, उनके बेवकूफी आए जो 5 किलो राशन देता है, बिल्कुल बंद कर दिए चाहिए, कहूँ मराता है तो मन भर बंद कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद कर दिए चाहिए, अच्छी जगह लगाओ चाहिए उनका। तो आप क्या कहेंगे मोदी जी? मोदी जी से तो हम खुद सही मोदी जी के वोट तो देवे करबे, कम से कम गुंडेगर्दी खत्म यहाँ योगी सरकार में, ऐसे बड़ी और उनका काउ चाहे, दिन में काम करता है जो 2 रुपया जेबी में है। तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया मोदी जी के आने के बाद? चाहे 12 बजे रात की रिक्शा चलाई जाए, 1 बजे रात की रिक्शा चलाई जाए, आप रिक्शा चलावा दो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, गुंडा से मुक्त है हम, बाकी तो मेहनत तो भगवान हाथ दे है ना, कमा खा नहीं सके। क्या बात है भैया, मजा आ गया, सलूट है भैया आपको, ईश्वर हाथ दे तो कमा खा ना, बढ़िया। अच्छा हर चीज मोदी जी, ताली होनी चाहिए भैया के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया भैया, और ऐसे ही आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ये देखिए, ये है अमेठी की जनता की आवाज, अनफिल्टर्ड, बिना यहाँ पर किसी से, हमने केवल लोगों का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, बिना कोई वहाँ पर उनसे कोई ऐसा टेक्निकल सवाल पूछे। एक बात तय है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जनता बहुत जागरूक है और सब समझ रही है, सब ने अपना मन बना रखा है, फाइट क्या होती है, नतीजा क्या आता है, जनता क्या तय करती है, अब ये तो 4 जून से पहले कौन बता सकता है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, अमेठी।